टूटेगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब सरकारी व्यवस्था दुरुस्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। मैं हूँ खुशबू रॉय। पटना के विद्यापति भवन के पास मौजूद हैं, जहाँ पे पप्पू यादव, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का आवास भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता, पप्पू यादव के कार्यकर्ता, जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनके हाथ में जो शर्ट देख सकते हैं, ये पोस्टर पप्पू यादव को रिहा करो, पप्पू यादव की रिहाई को लेकर ये लोग लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और आज इन्होंने बेरी हथकरी मार्च निकाला है और सरकार से इन लोगों की मांग है कि पप्पू यादव की रिहाई करो। उनसे पूछताछ करेंगे कि क्या परेशानी सर, बेरी हथकरी क्यों लगा रखा आपने? हमारे सेवक, जो बिहार के सेवक थे माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी, जिस दिन से उनको जेल में डालने का ये नीतीश कुमार काम किए हैं, उसी दिन से हर नवयुवक दुखी है। इसी कारण हम लोग ने बेड़ी पहन कर सवाल करने का काम किया है सरकार से, कि अगर पप्पू यादव कोरोना काल में काम कर रहे थे और वो गुनहगार हैं, तो हम भी गुनहगार हैं, हमें भी जेल में डाल दिया जाए। हम भी इसीलिए सड़कों पर उतरे हैं कि जिस समय तक पप्पू यादव जी को रिहा नहीं किया जाएगा, उस समय तक हम भी सड़कों पर रहेंगे। या तो हमें भी जेल में डालो, और नहीं तो पप्पू यादव जी को रिहा करो। अगर पप्पू यादव की रिहाई इसके बाद भी नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे आप लोग? और भी इससे ज्यादा उग्र आंदोलन का व्यवस्था हम लोग करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग मर मिटने को तैयार हैं पप्पू यादव जी के लिए, वो गरीबों के मसीहा हैं जी। बहुत बहुत जैसा कि आप देख सकते हैं, इन लोगों का कहना है कि इन लोग बेरी और हथकरी प्रदर्शन इसलिए उन्होंने किया कि पप्पू यादव की रिहाई किया जाए। इन लोगों का मानना है कि पप्पू यादव बेगुनाह है और बेगुनाह होने के बावजूद भी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया है। तो जब पप्पू यादव बेगुनाह होते हुए गिरफ्तार हो सकते, तो इन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। हर एक बिहार की हर एक जनता, हर एक कार्यकर्ता में दूसरे पप्पू यादव हैं, इनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं महिलाएँ भी मौजूद हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या परेशानी हुई मैम आपको? हमें नहीं, पूरे बिहार की जनता की परेशानी है। मैं आज एक आदमी की बात के लोग नहीं करी, मैं पूरी बिहार की जनता की आवाज बन के करी हूँ पप्पू यादव जी को। ये नीतीश सरकार जी का तोहफा है, जो महिलाओं के सौंदर्य का प्रतीक होता था चूड़ियाँ, आज नीतीश सरकार जी ने हमें ऐसा कर दिया है कि हम बेड़िया पहनने पे मजबूर हैं। नीतीश सरकार जी के शासन में ऐसा हो गया है कि महिलाएं अब हॉस्पिटल में भी सुरक्षित नहीं है। आप रोड का, घर का, कहीं और का बात तो छोड़ दीजिए, महिलाएं अब हॉस्पिटल में भी सुरक्षित नहीं है नीतीश सरकार के टाइम में। ऐसा राज चल रहा है हमारे पास, अंधेर नगरी चौपट राजा हो चुका है, कोई देखने वाला नहीं है। चाहे वो दवा की कालाबाजारी हो, हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं की कमी हो, रोजगार की कमी हो, चाहे जिस प्रकार की कोई कमी हो, नीतीश सरकार अपनी आँख बंद कर चुकी है। बस वो सत्ता का मजा ले रही है, सत्ता में बस आ चुकी है, उसके बिहार की जनता से उसे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। क्या लगता है आपको, इस प्रदर्शन से बिहार सरकार को कोई प्रतिक्रिया देगी पप्पू यादव की रिहाई? बिल्कुल देगी। बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, विदेशों से भी लोग पप्पू यादव जी का समर्थन कर रहे हैं। तो बिहार सरकार को अपनी आंखें खोलनी होगी और बिहार सरकार को जल्द से जल्द पप्पू यादव जी को रिहा करनी होगी। क्या करो आप, क्या नहीं होगी, तो जिस तरह से जो भाषा नेता समझेंगे नीतीश कुमार जी, वो भाषा हम समझाएंगे, क्योंकि बिहार की आवाज है पप्पू यादव जी, बिहार की जरूरत है पप्पू यादव जी, तो उनको रिहा करना होगा और उन्हें हम रिहा करवा के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, उनके कार्यकर्ताओं में बहुत सारा आक्रोश दिख रहा है और पप्पू यादव की रिहाई को लेकर लगातार वो मांग करते जा रहे हैं कि पप्पू यादव की रिहाई करो, अन्यथा हमारी ये प्रदर्शन जारी रहेगी। आगे भी प्रदर्शन लोगों का कहना है, ये लोग जारी रखेंगे जब तक कि पप्पू यादव की रिहाई नहीं होती। इन लोगों ने बेरी और हथकरी पहनकर ये साबित करने का कोशिश किया, सरकार को ये प्रतिक्रिया देने की कोशिश की है कि अगर पप्पू यादव की गिरफ्तारी आपने की है, तो हम लोग भी गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं, अदरवाइज पप्पू यादव की रिहाई करो। अब देख सकते हैं यहाँ पे लोग लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पप्पू यादव को रिहा करो। मांग है पप्पू यादव जी को रिहा करना होगा, करना होगा। देख सकते हैं लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि पप्पू यादव की रिहाई को लेकर, अगर रिहाई नहीं होती है, कहना कि प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा, अगर पप्पू यादव की रिहाई नहीं होती है तो। इस प्रकार देखते रहिए, आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।